कि ये बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते लेकिन जॉब लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ अपनी एक ट्रेनिंग करें जिसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ये मुश्किल वर्ड लगता है, इसका मतलब यही है कि ट्रेनिंग करना, आसान लगता है, इसका मतलब ये है कि छोटी सी ट्रेनिंग करना जिसका जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 3 साल भी हो सकता है। इसी स्कीम को जो है गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया, रिफॉर्म किया और आज ना ही सिर्फ 8वीं, 10वीं या 12वीं के बच्चे या ड्रॉप आउट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है बल्कि इवन जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो बच्चे भी अगर ये चाहते हैं कि वो आगे पढ़ाई ना करके या इवन अगर उन्होंने पढ़ाई की है फिर भी एक्सपीरियंस जिसको जॉब एक्सपीरियंस कहते हैं वो लेना चाहते हैं और इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली काम करना चाहते हैं तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए सिंपल लफ्जों में ये स्कीम का जो है मैंने आपको बताया समरी। अब इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं शायद आपको इसके बता दूं क्योंकि अभी इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन होगी, आपके साथ एक वर्कशॉप होगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि जो अप्रेंटिसशिप चाहता है बच्चा और जो इंडस्ट्री या जो ओनर है इंडस्ट्री का वो अप्रेंटिसशिप देना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बारे में भी आपको पूरा बताया जाएगा। इसके बारे में जो मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग पहली चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है। आप कोई भी जॉब अप्लाई करें चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, आज हर चीज़ में ये पूछते हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने क्या इसमें कोई स्पेसिफिक इस फील्ड में कोई काम किया है, चाहे वो प्रो बोनो हो मतलब बिना पैसे का काम हो प्रो बोनो या सोशल सर्विस की तरह काम किया है या आपने उससे कमाई की, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी जॉब के लिए। आज मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप इवन आईएएस के एग्जाम करते हैं तो पहले आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले कोई आपने काम किया है, तो इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है एक्सपीरियंस को क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो शायद आप किताबों से नहीं सीख सकते, तो इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपको ऑन जॉब जो है वो एक टेक्निकल नॉलेज मिल जाती है कि आपने जब काम में जाना है किसी फील्ड में जाना है तो आपकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स किस चीज़ में होनी चाहिए और ये चीज़ों में आपको फर्दर जो है वो नॉलेज गेन करनी है। दूसरी चीज़ जो मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम आज हमने शायद ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चे होंगे, आप बच्चों आप वहीं से कहाँ से हो ITI से, तो ये सारे एलिजिबल हैं, हर बच्चा जो है वो इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि जब हम देखते हैं कि देर इज अ गैप, अगर हम अभी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे और हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वाले भी ऐसे लोग चाहते हैं कि जिनको काम आता हो, लेकिन एक गैप है कि जो इनकी स्किल्स हैं, जो इनका नॉलेज है और जो ऑन जॉब होने चाहिए उसके बीच में एक बड़ा गैप है, वो इसलिए है क्योंकि बच्चों ने इस फील्ड में ट्रेनिंग नहीं की होगी। तो आज ये सारे बच्चे जो हैं ये हमारे मुखातिब हैं और इनके लिए हम ये स्कीम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे पूरे UP में जैसे अभी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे कमी रही है कि इसको प्रॉपर जो है अमली जामा वो पहनाया ही गया है आज तक। इसके लिए ये एक वर्कशॉप और ये हमने एक प्रेजेंटेशन भी आपके सामने रखी कि किस तरीके से आप बच्चे जो है कैसे अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरीके से हमने आपको रजिस्टर कराएंगे इसके लिए और स्टाइपेंड मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो कुछ पैसा जो है आप बच्चों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि अगर आप 5th to 9th के बच्चे ड्रॉप आउट रहे हैं तो उसका एक मिनिमम स्टाइपेंड आई थिंक 5,000 है और उसमें से भी आधा जो है वो गवर्नमेंट देगी और आधा जो है वो इंडस्ट्री देगी। इसी की तरह 10th पास आउट के लिए अलग स्टाइपेंड है, 12th के लिए अलग है, सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन जो वोकेशनल टेक्नीशियन ऑलरेडी हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं या ग्रेजुएट हैं मतलब ग्रेजुएट के लिए 9,000 भी जाता है स्टाइपेंड। अभी डिपेंड करता है कि स्टेट और इंडस्ट्री उस एरिया में कैसी है। हम ये चाहते हैं इसका मकसद क्या है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे
बारामूला में ही ट्रेन है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ ट्रेन है, और फिर हम कोशिश करें अगर यहाँ नहीं हो पाते तो हम उनको आगे पीछे जो उनके लिए ज्यादा जिसमें उनको यहाँ से मोबिलाइज नहीं करना पड़े, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। तभी हमने यहाँ के जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं या एसोसिएशन वाले को बुलाया है ताकि घरों से बाहर ज्यादा ना निकलना पड़े, अपने कम्फर्ट में, अपने घर के कम्फर्ट में भी वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ये भी इसका एक बेसिक पर्पज है जो हम आज इन सबको एक तरीके से वर्कशॉप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपका जो भी ये ट्रेनिंग होते हैं, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाती है इनको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अब आप बोलेंगे कि आपने ग्रेजुएशन फॉर एग्जाम्पल नहीं की और आप 10th क्लास ड्रॉप आउट हैं या 10th क्लास ही पढ़ा है और बारहवीं ही पढ़ी है, इस सर्टिफिकेट की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी अहमियत क्या है? इस सर्टिफिकेट की ये इम्पोर्टेंस है, जब आपको ये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलती है यू आर एलिजिबल टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री एंड इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज अब्रॉड, दैट इज द इम्पोर्टेंस जी। और जब आप बाहर जाते हैं जैसे कोई यूएई जा रहा है या किसी और मुल्क में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इट विल बी इक्वली वैलिड ना राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते और डायरेक्टली लेबर फोर्स में आना चाहते हैं तो वो इस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट से बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये चीज बाकी ममालिक में अगर आप देखेंगे, इवन साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में, बहुत सारे ऐसे देशों में, इथियोपिया वगैरह में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, वो ये है कि ये सर्टिफिकेट के लिए बहुत मरम आ गई है एंड दे रियली कम्पीट कि इनको ये सर्टिफिकेट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी बात दूंगी, प्लम्बर का है सर्टिफिकेट। आज आप अगर यूरोप में जाएंगे, यू नो हाउ मच अ सर्टिफाइड प्लम्बर अर्न्स एंड हाउ मच अ नॉन सर्टिफाइड प्लम्बर अर्न्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड फाइनली दिस विल हैपन इन आवर कंट्री आल्सो। हमारे देश में भी, हमारे मुल्क में भी यही, हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस फेस जहां पर एक सर्टिफाइड हर एक चीज, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर या कारपेंटर्स या मेकिंग, बट इन एनी फील्ड जिसको भी टेक्निकल नॉलेज है उसकी इम्पोर्टेंस उससे ज्यादा है जिसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां की है लेकिन उसको पता नहीं अपना काम कैसे करना है। और ये सर्टिफिकेट जो है ये आप लोगों की जो इम्पोर्टेंस होगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में, वो 100 times बढ़ा देगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है जिसके लिए हम आपको चाहते हैं कि आप स्किल हो जाए। और ऑलरेडी जो हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो हम ITIs या अपने पॉलिटेक्निक चला रहे हैं, उसमें भी बड़े सारे सर्टिफिकेशन होती है, बट दैट सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। वो जो सर्टिफिकेट आपको ITI से मिलता है, व्हाट इज दैट? डिप्लोमा। सो दिस सर्टिफिकेट इज टोटली डिफरेंट, दिस इज एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इट इज नॉट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है ना? तो आप ये सोचेंगे जब हम ऑलरेडी ITIs में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी ऑन जॉब तरीके से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट दिस इज कम्प्लीटली ऑन जॉब, 100% ऑन जॉब। सो इसका और जो नॉर्मल ITI पॉलिटेक्निक्स है उनका एक डिफरेंस है और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो 8वीं में पढ़ते हों, 10वीं में पढ़ते हों, या ड्रॉप आउट हो चुके हैं, या ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, किसी भी लेवल के जो भी बच्चे हैं जो वर्कफोर्स में डायरेक्टली आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को भी हमने आज बुलाया है, उनको भी हमने मोटिवेट किया कि इसमें रजिस्टर करें। और हमारे बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है, ये ITI या पॉलिटेक्निक जैसी ट्रेनिंग नहीं है, इसमें 100% ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी जिसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा, 1% जो है उसमें गवर्नमेंट खुद इनको स्टाइपेंड देगी, और इससे जो ये स्किल इनको मिलेगा उसकी एक सर्टिफिकेट मिलती है एट द एंड, जो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी वैलिड होती है, जिससे कि इनका जो जॉब मार्केट है उसमें इनका प्रोफाइल भी रेज होता है, इनकी कमाने की जो पोटेंशियल है वो भी रेज होता है, और इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है। और मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये है कि हमारी जो जॉबलेसनेस है, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए, उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है बहुत काबिल हैं, लायक हैं, टैलेंटेड हैं।